रायगढ़ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ता और नेताओं ने पुसौर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम सीहा के प्राथमिक शाला में हो रहे अनियमितता को लेकर विकास खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मामले में जल्द कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और स्कूली छात्रों की माने तो ग्राम सिंहा में प्राथमिक शाला तो है, पर इस शाला में कुल 3 शिक्षक हैं, जिसमें की 2 अधिकतर अनुपस्थित रहते हैं और 1 शिक्षक नशे की हालत में विद्यालय आता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विद्यालय में क्या पढ़ाई होती होगी। शिक्षा का मजाक बनाया जा रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। पिछले वर्ष इस विद्यालय में छात्रों की संख्या लगभग 143 थी, जो इस वर्ष घटकर मात्र 50 रह गई है। अभिभावक अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजना ही नहीं चाहते। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा का स्तर किस हद तक नीचे चला गया है और लोग मजबूर हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने के लिए। इसी मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और नेतागण भारी संख्या में ज्ञापन लेकर विकास खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुँचे और जमकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंप कर जल्द निराकरण करने की मांग की, अन्यथा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि इस समस्या का जल्द निराकरण किया जाएगा और जो भी शिक्षक दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पुसौर ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। सीहा में प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ पे लगभग पूर्व वर्ष में 143 छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे और वर्तमान में इस वर्ष मात्र 43 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव वालों से जब बातचीत हमने की तो पता चला कि यहाँ पे 3 शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी नियमित तौर पे स्कूल पे नहीं आता है। ज़्यादातर जो शिक्षक हैं, एक शिक्षक आते हैं, ताला खोलते हैं, उसके बाद फिर वापस चल जाते हैं, और उनमें से एक शिक्षक ने तो यहाँ तक हद कर दी कि वे लगातार नशे करके कॉलेज स्कूल में प्रवेश करते हैं। तो इससे छात्र छात्राएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये जो 3 शिक्षक हैं इन पर एकदम बहुत कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा सोच के, ऐसा निवेदन करके आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। क्या कहना था महोदय का? उनका कहना है कि शीघ्र से शीघ्र हम निलंबन जैसी जो प्रतिक्रिया है उस पर काम करेंगे और जो भी है 15 दिन के अंदर कार्रवाई करके सूचित करेंगे। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN24।